में तो पीवी सिंधु के हालिया कारनामे। ऑन 7 जुलाई 2012 सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप। 7 जुलाई 2012 को सिंधु ने 19 साल से कम उम्र के जमरे में एशिया यूथ चैम्पियनशिप को हासिल किया। सिंधुज परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। तो मलेशियाई ओपन 2013 में इसने अपनी कारकर्दगी के बायस, अपने परफॉर्मेंस के बायस पहला ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड खिताब हासिल किया। आप देख सकते हैं इसे। द बेस्ट मोमेंट इन हर करियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर व्हेन शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट इन वुमेन्स सिंगल्स एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। मोमेंट मीन्स लम्हा, करियर मीन्स पेशा। तो इसी साल इसकी पेशा वाराना ज़िंदगी का एक सुनहरी मौका आया, सुनहरी लम्हा आया, जब बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में ख्वातीन के इनफरादी मुकाबलों में सिंगल्स में वो भारत की पहली मेडलिस्ट बन गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। पीवी सिंधु एंडेड 2013 ऑन अ हैप्पी नोट by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjun Award। Macau Open Grand Prix खिताब जीतकर और किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़े एजाज़ों में से एक एजाज़ जो होता है वो अर्जुन अवार्ड उन्होंने हासिल करके पी वी सिंधु ने 2013 को मुसरत आमेज़ खैर बात कहा। मतलब यहाँ पर उन्होंने 2013 में सबसे पहले तो मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स को खिताब हासिल किया जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद की बिना पर मिला था, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है वो होता है अर्जुन अवार्ड। तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया 2013 में ही। इस तरह उन्होंने 2013 को खुशी खुशी खैरबाद कहा, अलविदा कहा। इन 2014 शी वन बैक टू बैक medals in the world badminton championship and became the first indian to do that। back to back ye lafz ka matlab hota hai lagatar, ek ke baad dikre, ek ke baad ek। to unhone 2014 mein world badminton ship mein lagatar medals hasil kiye। is tarah wo aisa karne wali bharat ki pehli khatun ban gayi। in november 2015 she bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix gold। successive means one after another, ek ke baad digre, ek ke baad ek। to inhone 2015 mein Macau Open Grand Prix mein ek ke baad digre khawateen ke singles title mein unhone khitab hasil kiya, medals hasil kiye। to is tarah se PV Sindhu ne 2015 mein bhi अपना कारनामा और अपनी कारकर्दगी को कायम रखा। आप देख सकते हो तस्वीर के ज़रिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ईयर 2016 ब्रॉट हर अनदर अचीवमेंट ऑफ विनिंग द मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वीमेन सिंगल्स टाइटल वेयर शी डिफीटेड स्कॉटलैंड्स क्रिस्टी ग्रिमर इन द फाइनल। इन ऑगस्ट शी रीच्ड द सेमी फाइनल ऑफ द वीमेन सिंगल्स इवेंट at the 2016 summer olympics after defeating world number 2nd wang yihan। so 2016 mein inhe ek aur kamyabi hasil hui jo ki unhone malaysia master grand prix gold mein unhone singles mein khitab hasil kiya, where she defeated scotland's kirsty gilmer in the final, jahan unhone फाइनल में स्कॉटलैंड के क्रिस्टी ग्रिमर को शिकस्त दी। इन अगस्त शी रीच द सेमी फाइनल ऑफ द विमेन सिंगल्स इवेंट एट 2016 समर ओलंपिक्स आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 2nd वांग यीहान। अगस्त के महीने में उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर जो थे बैडमिंटन के वांग यीहान को शिकस्त देकर 2016 के समर ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंची।
आप देख सकते हो वॉन्ग जीहन। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा इन द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल इन द रियो ओलंपिक्स। यहाँ वर्ड है क्रिएटेड हिस्ट्री, मीन्स सेट अ रिकॉर्ड, किसी गेम में किसी खेल में रिकॉर्ड बनाना या तारीख रकम कर देना। तो जो रियो ओलंपिक्स हुआ था, इसमें ख़वातीन के जो सिंगल्स मुकाबले थे, इनफरादी मुकाबलों के जो सेमीफाइनल में जापान के नोजोमी ओकोहारा को उन्होंने डिफ़ीट कर दिया, शिकस्त देकर एक तारीख रकम कर दी, जिसे किसी ने हराया नहीं था। जो बहुत ही एक्सपर्ट थी खिलाड़ी नोजोमी ओकोहारा, तो उन्हें शिकस्त देकर एक तारीख रकम कर दी। शी वन अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स, और इस तरह से आखिर में उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। वाइल द गोल्ड वॉज टेकन बाई स्पेंस कैरोलिना मेरिन, लेटर शी डिफीटेड कैरोलिना मेरिन एंड वन 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। और बाद में उन्होंने कैरोलिना मेरिन को भी शिकस्त दे दी और 2017 में इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल जीत लिया। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि पीवी सिंधु जो है वो किसी भी शिकस्त से दिल बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, हार नहीं मान रही हैं। वो लगातार अपनी ही शिकस्त से वो सीख रही हैं कि किस तरीके से मैं और मज़ीद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकती हूँ। तो ओलंपिक में इन्होंने जिस खिलाड़ी से शिकस्त हासिल की थी, बाद में 2017 में उन्होंने इंडिया ओपन सुपर सीरीज़ टाइटल उन्हें शिकस्त देकर हासिल कर लिया। तो हमें कभी भी किसी भी नाकामी से मायूस नहीं होना है, बल्कि नाकामी से हमें सीखना है कि हम किस तरह से हमारी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। इस तरह आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का जो हिस्सा है, जो रह गया है, वो हम अगले पीरियड में इंशाल्लाह उसे मुकम्मल करेंगे। आप लोग घर पर पढ़ाई कीजिए और सबक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो पिछले पीरियड में मैंने जो सवाल दिए थे उसके जवाब ढूंढ करके अपनी ब्याजों में लिखना है।